I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today, I will share with you the seeds. आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिक्र करेंगे सीड्स यानी बीजों के बारे में. सीड इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एंड्रोशियम दैट इज मेल पार्ट एंड गायनोशियम द फीमेल पार्ट. द सीड हैज गॉट अ कोड, अ ब्लूप्रिंट. सीड में कोड होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके जरिए पैरेंट जैसा ही प्लांट, पैरेंट जैसा ही ट्री बनता है. जस्ट लाइक ऑल लिविंग सेल्स में डीएनए सेल के अंदर पाए जाते हैं, वैसे ही इन सीड्स में भी डीएनए सेल्स में जो पाया जाता है उसमें सारे सिस्टम एनकोडेड होते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे डिफेंस मैकेनिज्म हो, चाहे कलर हो, टेस्ट हो, जो भी हो, वो सब डीएनए में एनकोडेड होते हैं. इसके बाहर एक जबरदस्त आउटर कवरिंग होती है जो इसे महफूज रखती है, संभाल के रखती है. और अगर हम नजर डालें लुपिन, जो आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, इट रिमेन्स इन डॉर्मेंट कंडीशन, ए फ्रोजन कंडीशन में रहता है विंटर सीजन में, और जैसे ही समर सीजन आता है आइस मेल्ट होती है, ये जर्मिनेट होता है. यही नहीं, अगर हम नजर डालें कोकोनट के ऊपर, तो कोकोनट जो सीड है विद ए फाइबर फ्लोट इनसाइड न्यूट्रिएंट एंड वाटर, इट रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर फॉर 80 डेज. ए कोकोनट 80 दिन तक, 80 डेज तक पानी में रह सकता है और फाइबर फ्लोट की तरह फ्लोट करते रहता है. और जब ये पहुंचता है जमीन पर, रियलाइज करता है कि अब सॉइल के टच में आ गए हैं, तो इसमें जर्मिनेशन शुरू होता है. सी बीन ये एक साल तक पानी में रह सकती है, और इसमें भी जब जमीन पर पहुंचती है तो उसमें से जो है जर्मिनेशन शुरू होता है. तो मालूम यह हुआ ये सीड्स की बनावट और इनका अंदर की तरफ से इस तरह से प्रोटेक्शन ताकि इसको डैमेज ना हो और ये मौका पाए तो उसमें जर्मिनेशन हो. तो ये सीड्स जो हैं, ये सीड्स की वजह से इनमें प्रोक्रिएशन होता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये हेरिडिटरी कैरेक्टर चलते रहता है. और उसकी वजह से इसमें से जब जर्मिनेशन होता है तो हूबहू उसी प्लांट की तरह, उसी प्लांट की तरह, उसी पौधे की तरह, उसी ट्री की तरह इसमें शाखें निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, फल निकलता है, फूल निकलता है. तो मालूम यह हुआ कि इनमें इस तरह से जो हो रहा है इसको किसने सिखाया. नो डाउट इट इज इनबिल्ट इन द डीएनए सेल. द जेनेटिक मटीरियल इज एनक्लोज्ड इनसाइड एज ए ब्लूप्रिंट, एज ए कोडिंग मटीरियल. But question arises, an instructor is required for this. If you see, even the robot executes the program with the help of an instructor, with the help of a command. So, in all these seeds, the command is given by creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, who is declaring in chapter number 56, Surah Waqia, verse number 63, 64, 65. When you sow the seed, you are the grower into crop or we are the grower. If we trample it, it turns out to be into pieces and you remain lamenting. O dana, jo tum zameen mein dalte ho, tum usse ugate ho aur crop banate ho, fasal banate ho, ya hum usse ugayenge, hum usse ugate hain. Agar hum usse chahein, तो पामाल कर दें, चुरा चुरा कर दें और तुम फिर बात बनाते हुए रह जाओ. पता ये चला अल्लाह तबारक ताला के कुदरते कामिला है जिसकी वजह से यह हो रहा है.
ये भी मालूम पड़ा कि इन सीड्स में जो जर्मिनेशन हो रहा है ये एंट्स की वजह से और बर्ड्स की वजह से भी होता है. एंट्स उसके फ्लैशी पार्ट को खा लेती है यानी चींटी, और फिर उसे जमीन में डाल देती है और उसमें से जर्मिनेट होता है, उसमें से कोपले निकलती है. और बर्ड्स का मामला तो ये है कि बर्ड्स दे ट्रांसफर द सीड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दे हेल्प इन माइग्रेशन. बर्ड्स ईट अप सम ऑफ द फ्रूट्स अलोंग विद द सीड एंड आफ्टर ईटिंग द सीड इज नॉट डाइजेस्टेड, इट कम्स आउट विद द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स. And the excretory product of bird contains uric acid, which dissolves the upper casing. And this, when falls on the land or on the tree, a wetty part, it turns out to be a new plant. A birds जो हैं फलों को उसके बीज के साथ खा जाती हैं, और जब खा जाती हैं तो बीज तो digest होता नहीं, excretory product के साथ जब इनके निकलता है तो यूरिक एसिड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में होता है अपर केसिंग को डिसॉल्व करता है, और जब ये जमीन पर पड़ता है या किसी दरख्त के वेटी पार्ट सर्द पार्ट पे पड़ता है तो वहां से जर्मिनेशन होता है. तो मालूम हुआ ये इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज आर इन एक्सलेंट हार्मनी एंड इट इज बिकॉज ऑफ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अल्लाह सुबहान व तआला. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.